Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन वर्ड्स जो अविकारी शब्द हर्ष दुख आश्चर्य पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं उन शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। देखिए पढ़िए और समझिए। एक आहा हम मैच जीत गए। दो अरे कितना विशाल भवन है। तीन ओ मेरी साइकिल टूट गई। चार छः कितनी बदबू है। यहाँ पहले वाक्य में आहा शब्द हर्ष प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है। दूसरे वाक्य में अरे शब्दाश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तीसरे वाक्य में ओ शब्द शोक दुख को प्रकट कर रहा है। चौथे वाक्य में छी शब्द घृणा को प्रकट कर रहा है। अतः आहा अरे ओ तथा छी शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है तथा इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्दों के भेद काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक शब्दों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं। एक हर्ष बोधक शाबाश वाह वाह धन्य आदि। उदाहरण शाबाश तुमने बहुत अच्छा गाया। दो आश्चर्य बोधक ओह रे वाह है क्या है आदि। उदाहरण ओहो इतना बड़ा सांप। तीन शोक बोधक हाय ओह आह हा आदि। उदाहरण हाय मेरा पर्स चोरी हो गया। चार घृणा बोधक धत छे धिक आदि। उदाहरण धत कितनी गंदगी है। पांच स्वीकार बोधक हाँ अच्छा जी हाँ बहुत अच्छा ठीक आदि। उदाहरण हाँ आप ठीक कह रहे हैं। छह अनुमोदन बोधक वाह अच्छा ठीक हाँ हाँ अवश्य आदि। उदाहरण हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। सात आशीर्वाद बोधक जीते रहो दीर्घायु हो आदि। उदाहरण जीते रहो बेटा। आठ संबोधन बोधक हे अरे हो रे आदि। उदाहरण अरे बेटा यहाँ आओ। नौ तिरस्कार बोधक हट धत धिक छे आदि। उदाहरण हट यहाँ कभी मत आना। ऊपर दिए उदाहरणों में प्रयुक्त हुए विस्मयादि बोधक शब्द मूल रूप से अविकारी शब्द हैं, किंतु संज्ञा सर्वनाम आदि विकारी शब्दों को भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तम राम राम हे राम हरे हरे सुंदर आदि। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।